वर्ष पहले श्री राम नामक एक महान राजा थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें 14 साल का वनवास मिला था। वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास के दौरान रावण नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। रावण सोने की लंका का शासक था। हनुमान और सुग्रीव की सहायता से श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी वानर सेना के साथ अपार समुद्र को पार किया और लंका पहुंचकर रावण के विरुद्ध लंबा और भयंकर युद्ध किया। उन्होंने रावण को मारकर अपनी पत्नी की रक्षा की। वनवास से वापस आने के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बने, लेकिन अयोध्या निवासी सीता जी को अपनी रानी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सीता जी काफी सालों तक रावण की लंका में थी। श्री राम ने लोगों के संदेह को सुनते ही सीता जी को, जो उस समय मां बनने वाली थी, वनवास के लिए भेज दिया। लक्ष्मण सीता जी को तमसा नदी के किनारे अकेला छोड़ आए, जहां सीता जी को ऋषि वाल्मीकि मिले और उन्हें अपने साथ अपने आश्रम ले गए। सीता कहां है और किस हाल में होंगी? के उत्तराधिकारी इस धरती पर आ ही गए। वो क्षण अद्वितीय था। चारों तरफ शंख ध्वनि गूंज रही थी। सारे देवगण ऊपर स्वर्ग से फूलों की बारिश कर रहे थे। जंगल और आश्रम के चारों तरफ के पेड़ पौधे झूमने लगे, उनमें सुंदर फूल खिलने लगे। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल छा गया। कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। वन
पंछी खेले आसमां पे, बोले हमसे मुस्कुरा के। पंछी खेले आसमां पे, बोले हमसे मुस्कुरा के। रुकना जाना हार के तू, चलना ही है जिंदगानी। धरती पर आए हम, देखो आसमां से, मन की ये जो शक्ति है ये हमारी निशानी। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। अग्नि वायु पर जो है मोह माया, उसमें ही पले हैं हम, ऐसी हमारी निशानी। हो एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। प्रणाम गुरुजी। माता सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये तो प्रभु की इच्छा थी। ये दोनों कोई साधारण बालक नहीं है, ये अपनी माता को न्याय दिलाएंगे। सीता अब कैसी है? वह काफी भाव विभोर है, पर बच्चों को गोद में लेते ही प्रभु राम को याद करने लगी। ठीक है, तुम उनका अब ध्यान रखना और उनसे कहना कि मैं बच्चों को देखना और उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। देखो जरा कितने सुंदर बच्चे हैं। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। सीता, तुम्हारे बच्चे साधारण बालक नहीं है, इनके ऊपर तीनों लोकों के निवासियों का आशीर्वाद है। मैं उन्हें अपने सच्चे मन से आशीर्वाद देता हूँ। ये दोनों इन तीनों लोकों में सबसे महान योद्धा बनेंगे, यहाँ तक कि इनके पिता की सेना भी इन्हें नहीं हरा सकेगी। लेकिन गुरु जी, मैं चाहती हूं कि शास्त्र विद्या ये आपसे सीखें। मैं इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और साथ ही साथ विद्वान भी बनाना चाहती हूं। पुत्री, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब तक ये दोनों अपने पिता से मिलने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये मेरी छत्रछाया में रहेंगे। अब मुझे बताओ कि इनमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है गुरुजी। आज से ये बालक कुश के नाम से जाना जाएगा। अब छोटे पुत्र को मेरे पास लाओ।
इसका नाम लव रखता हूं, क्योंकि मैंने इसे लव से आशीर्वाद दिया। और इस तरह दोनों जुड़वां बच्चे दिन प्रतिदिन उसी तरह बड़े होते गए जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उजाला बढ़ता है। उस तपोवन के सभी लोग उन दोनों मनमोहक बालकों लव और कुश को प्यार करते थे। हर वक्त कोई न कोई उनके साथ खेलता रहता था। खासकर ऋषि वाल्मीकि उन्हें सबसे ज्यादा लाड प्यार करते थे। कुश, हाँ गुरुजी, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा लगता है कि तुम दोनों को नृत्य करने का मन कर रहा है, तो चलो उठो और मुझे नृत्य करके दिखाओ। हाँ गुरुजी। कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि ये दोनों वास्तव में मानव हैं। आप सही कह रहे हैं, इनके जन्मदाता जरूर कोई बड़े राजा या फिर गंधर्व होंगे। शायद इसी कारण ऋषि वाल्मीकि ने इन दोनों के पालन पोषण का दायित्व लिया है। पूजा पाठ के लिए विलंब हो रहा है, क्या आज आप पूजन नहीं करेंगे? अरे हाँ पुत्री, मुझे देर हो गई। तुम्हें तो पता है मैं जब भी अपने लाडलों के साथ खेलता हूं तो मुझे और किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। सच काफी देर हो गई, मैं अब स्नान करने जा रहा हूं, तुम इनका ध्यान रखना। माता श्री। कुश और लव अब 4 वर्ष के हो गए हैं और साथ ही बड़े बहादुर भी। वैसे तो वे दोनों आश्रम के अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं,
पर कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे पता चलता है कि ये दोनों राजकुमार हैं। एक दिन कभी भी इस तरह की पीली रंग की बिल्ली नहीं देखी। अरे बच्चों, इससे दूर रहो, ये बिल्ली नहीं है, शेर का बच्चा है। चुप चुप चुप। अरे तब तो शेर के बच्चे के साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। आओ आओ प्यारे, आ, 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 आओ आओ प्यारे। चुप चुप चुप। आ, आ, ये मेरे पास आना चाहता है, ये मेरा है, इससे दूर ही रहो। और इसी तरह एक शेर का बच्चा लव का दुलारा पालतू बन गया। एक दिन वो शेर का बच्चा आंगन में खेल रहा था, लव अचानक एक बिल्ली के बच्चे को ले आया और उसे उस शेर के बच्चे के ऊपर बिठा दिया। डर के मारे वो शेर का बच्चा दुम दुमाकर भाग गया। आश्रम के सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे, यहाँ तक कि बड़े लोग इस दृश्य को देखकर हंस रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी अचानक सीता दौड़ कर आ जाती है। बदमाश बच्चे, इस असहाय जानवर पर अत्याचार मत करो। माता श्री, हम लोग इस पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो केवल हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्हें मत डांटो सीता, ये लोग निर्दोष हैं, पर हाँ बहुत बहादुर भी हैं। नहीं बहन, ये सही नहीं है, इस शेर के बच्चे की माँ नहीं है। इन बच्चों को मना करने का एक और भी कारण है, और वो ये कि शेर का बच्चा अगर तंग होकर इन बच्चों को काट दे तो। सीता मैया, चिंता ना करें, आपके बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। सीता दादी माँ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। सीता, तुम अपना काम कर सकती हो। हाँ माते, आप अपना काम कीजिए, जरूरत पड़ने पर दादी माँ इस शेर के बच्चे के साथ भी लड़ सकती है। ठहर बदमाश, अभी मजा चखाती हूँ। सीता बच्चों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। कुश और लव भाग कर ऋषि वाल्मीकि के पीछे छुप गए, जो उस समय धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। वे उन दोनों बच्चों को अपने पीछे छुपाकर सीता को मुस्कुराते हुए देखने लगे। गुरुजी, ये दोनों दिन प्रतिदिन बदमाश होते जा रहे हैं, कृपया कुछ कीजिए। ये दोनों अब बड़े हो रहे हैं, इस उम्र में तो ये सब करना एक साधारण बात है, परंतु अब मुझे इनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। ओह गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी दिन की तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी। माता श्री, हम लोग यहाँ हैं, अगर पकड़ सके तो पकड़ ले। लव, कुश, वापस आ जाओ मेरे बच्चों।
धक्का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का 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 धूम धड़क्का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का। आओ है राजा जंगल का कोई नहीं उसके पल का, हाथी घोड़े और हिरन है जंगल में सभी मगन, पंख पखेरू मस्ती में रहते हैं इस बस्ती में, सबके हैं अपने घर बार, है ये उनका एक संसार। देखो ये जो बच्चे हैं दोनों मन के सच्चे हैं, देखो ये जो बच्चे हैं दोनों मन के सच्चे हैं, प्यारा प्यारा रंगो रूप चमके कोमलता की धूप, आंखों में नन्हे सपने दोनों भाई हैं अपने, आंखों में नन्हे सपने दोनों भाई हैं अपने, उनके खिलौने बाण धनुष खेलते हैं जिनसे लवकुश। धूम धड़क्का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का बक्का, धूम धड़क्का धक्कम धक्का सबको कर दे हक्का बक्का बक्का। लव और कुश 10 वर्ष के हो गए हैं। वे दोनों धार्मिक किताबें शास्त्र वेद और पुराण पढ़ चुके थे। एक दिन धनुष विद्या सीखने के लिए वे दोनों नदी किनारे ऋषि वाल्मीकि के साथ आए। आज मैं तुम्हें तीर धनुष का प्रयोग करना सिखाऊंगा। जी गुरुजी। उन फलों को देखो, अपना पूरा जोर लगाकर खींचो, फिर तीर को ऐसे छोड़ो कि वह उस फल को जाकर लगे। लव, अब तुम्हारी बारी है। हाँ गुरुजी। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अन्य अस्त्रों के उपयोग करने की कला सिखाऊंगा। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, विशेषकर राजकुमारों को। राजकुमार, क्या हम लोग राजा के पुत्र हैं? हाँ प्यारू, समय आने पर तुम उनका नाम भी जान जाओगे, पर अभी तुम्हें जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो अब धनुष विद्या पर ध्यान दो। लव और कुश धनुष विद्या सीखने लगे। गर्वित गुरुजी कुछ देर उन्हें देखते रहे, फिर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। इस बीच सीता जी आती है। चुप चिक चुप चिक। ये क्या हो रहा है? मां डर गई। ठीक है, बस बहुत हुआ। धनुष विद्या के साथ साथ वे दोनों अन्य सभी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में भी निपुण हो गए थे, विशेषकर कुश। चुनौती देने वाले को वो बड़ी ही कुशलता से धनुष विद्या में पराजित कर देता था। अन्य मुनियों ने भी अपने अपने मायावी धनुष एवं तीर उनको प्रदान किए थे। लव और कुश, ये दिव्य अस्त्र हैं, इनका कभी दुरुपयोग मत करना, इनका प्रयोग हमेशा न्याय के लिए करना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। लव और कुश अब 12 साल के हो गए हैं। मैं अब इनका यज्ञोपवित संस्कार करूंगा।
जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। ये समारोह इन्हें वेदों के बारे में सीखने का अधिकार देगा। मेरे भाग्य बड़े ही अच्छे हैं, जो मेरे बच्चों की परवरिश इतने अच्छे माहौल में हो रही है। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। महर्षि वाल्मीकि हर तरह से उनका ध्यान रख रहे हैं, जिसके कारण मुझे बहुत ही सुकून और खुशी है। जनेऊ धारण करने के समारोह की सारी तैयारी हो गई और सारी व्यवस्था ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं की। इस प्रकार दोनों बालक वेद ज्ञान में भी प्रवीण हो गए। ऋषि वाल्मीकि ने स्वयं ही उनकी शिक्षा का दायित्व भी लिया। ऋषि वाल्मीकि उन्हें पूजन वंदना, शास्त्र और धार्मिक कहानियां भी पढ़ाया करते थे। उन दोनों नन्हे बालकों ने ऐसी वंदना की कि ऋषि वाल्मीकि और सीता जी दोनों ही गर्व से फूल गए। और एक दिन, प्यारे बच्चों, शास्त्र और धार्मिक कहानियां तो आप पढ़ रहे हो, पर आज से मैं तुम्हें रामायण भी सुनाऊंगा, जिसकी रचना मैंने की है। रामायण? ये क्या है गुरुजी? ये कथा श्री राम नाम के एक राजा की है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। और इसके बाद ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी कहानी सुनाई और उन बच्चों को वीणा बजाना भी सिखाया। बच्चों, ये वीणा है, एक वाद्य यंत्र। इसे दोनों हाथों से पकड़ो, इस तरह। अब इस तार को धीरे से छेड़ो और बजाओ। गुरुजी, क्या आप हमें रामायण के गाने नहीं सिखाएंगे? हाँ गुरुजी, हम लोग भी वे सारे गाने गाएंगे और सभी लोगों को जानकी की कथा सुनाएंगे। हाँ मेरे दुलारो, पहला गाना इस तरह है। फिर दोनों प्रतिभाशाली बच्चे वीणा बजाना सीख गए और सुरीला गीत गाने लगे। जब भी वे मधुर गाना गाते थे, सारे आश्रमवासी मंत्रमुग्ध होकर जीवन के सारे दुख दर्द भूल जाते थे। मधुर है। हाँ, और कितनी कुशलता से वीणा भी बजा रहे हैं। हाँ, वे दोनों बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। घर में नहीं थे जब लक्ष्मण, वन के साधु आया रावण, सीता से भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी, फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। राम और लक्ष्मण जब घर आए, सीता से सीता जी बन
पिता के बारे में जानने की कौतूहल मुझे हमेशा होती है। जो भी है इनके पिता बेचारे, उन्हें तो इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उनके बच्चे कितने प्यारे हैं। खैर, एक ना एक दिन उन्हें इन बच्चों के बारे में पता चल ही जाएगा और फिर वे आकर इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, उस दिन के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। इस तरफ ये दोनों बालक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पलकर बड़े हो रहे थे और दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम पश्चाताप की आग में जल रहे थे। सीता जी की याद उन्हें अशांत कर देती थी। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। काश इस समय सीता मेरे पास होती, मैं कितना विवश हूं। मेरी प्रजा और मेरे राज्य के प्रति मेरा कर्तव्य ही सर्वप्रथम है। फिलहाल आसपास के राज्यों की प्रभुसत्ता को संजोना ही मेरा प्रथम उद्देश्य है। यह मेरे प्रजा के भले के लिए है। महाराज रामचंद्र, यज्ञ पूरा हुआ, अब समय आ गया है कि अश्वमेघ घोड़े को आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। शत्रुघ्न कुछ पुजारियों और सेना के साथ घोड़े का पीछा करेंगे ताकि वे लोग घोड़े पर नजर रख सके और रास्ते में अयोध्या राज्यों को चुनौती देने वालों के साथ लड़ सके। भैया, मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। शत्रुघ्न, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। किसी में भी तुम्हें रोकने की साहस नहीं है। अश्वमेध घोड़े को छोड़ दिया गया और राम की सेना पीछे चल पड़ी। फिर जैसे ही उस घोड़े ने दूसरे राज्य में प्रवेश किया, यह किसका घोड़ा है? पकड़ लो इसे। महाराज, हमें इस घोड़े को पकड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह अश्वमेध घोड़ा अयोध्या के महान राजा श्री राम का है। अच्छा, तब तो हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं तो श्री राम की छत्र छाया में ही रहना चाहता हूँ। देखो देखो, कितना सुंदर घोड़ा है। इसे छूने की गलती मत करना, ये अयोध्या के राजा श्री राम का अश्वमेध घोड़ा है। इस तरह अश्वमेध घोड़ा कई देशों से होकर गुजरता रहा और इन देशों के सारे राजा श्री राम के अधीन हो गए। अयोध्या की तरफ वापस जाते वक्त उस घोड़े की नजर ऋषि वाल्मीकि के तपोवन पर पड़ी। चारों तरफ हरियाली देखकर वो घोड़ा अपने आप को रोक न सका और उस तपोवन में प्रवेश कर गया। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे वाह, कितना सुंदर जानवर है। मैंने इस जंगल में कई जानवर देखे हैं, पर इस तरह का श्रेष्ठ और प्यारा जानवर पहले कभी भी नहीं देखा है। मुझे यकीन हो गया है कि यह जानवर घोड़ा ही है जिसके बारे में गुरु जी ने बताया था। ओ, अच्छा, तो तुम ही श्री राम के अश्वमेघ घोड़े हो। तुम्हारा सूचना पट बता रहा है, जो कोई भी अयोध्या के राजा को अपना राजा स्वीकार नहीं करता है, वो इस घोड़े को बांध दे और सेना से लड़े। क्या ये सच है? ये घोड़ा तो गुरुजी के आश्रम की स्वतंत्रता में रुकावट बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि राजा राम में कितनी ताकत है। कौशल्या के पुत्र राम ही क्या एकमात्र सर्वश्रेष्ठ राजा हैं?
अगर हम लोग उनके अहंकार को भंग नहीं कर सकते तो सीता माता के पुत्र होने का क्या फायदा? ये किसने किया? क्या क्या किया? मेरा मतलब किसने घोड़े को बांधा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आसपास और कोई भी नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मैंने किया है। इसे अभी मुक्त करो। मैं क्यों खोलूं? कभी नहीं। सावधान, अगर किसी ने भी इसे खोलने का साहस किया तो उसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हे भगवान, अभी तो तुम केवल एक छोटे से बालक हो, तुम इतनी असभ्यता से कैसे बात कर सकते हो? सिपाहियों, उसकी बात मत सुनो, जाओ और घोड़े को खोल दो। रुक जाओ। मुझे तीर लग गया। सिपाहियों, लड़के को घेर लो। तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो बदमाश बालक। बालक, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। लड़का कौन है? तुम दोनों ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। तुम दोनों का तो अभी हिरण के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने का समय है और तुम शेर से लड़ना चाहते हो। बस मेरे एक ही वार में तुम धाराशाही हो जाओगे। कुश का वान शत्रुघ्न को लगा और वो बेहोश हो गया। उसे मूर्छित होते देखकर उसकी सारी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। एक संदेश वाहक घोड़े पर बैठकर भागा भागा श्री राम के पास गया और उन्हें इस दुखद घटना के बारे में सुनाया। क्या खबर लाए हो? सब कुछ ठीक था, पर एक छोटे बालक के तीरों के वार से शत्रुघ्न रथ में मूर्छित हो गए। क्या? आश्रम के एक तुच्छ बालक ने वीर शत्रुघ्न को हरा दिया? मुझे विश्वास नहीं होता। लक्ष्मण, आश्रम के एक तुच्छ बालक ने शत्रुघ्न को हरा दिया है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? मैं चाहता हूं कि तुम अभी सेना के नए दल को साथ लेकर युद्ध स्थल में जाओ और भाई शत्रुघ्न की सहायता करो। मैं अभी प्रस्थान करता हूं। श्री राम की जय हो। पर उन बालकों से सावधान रहना, वे लोग आश्रम के साधारण बच्चे नहीं हैं, उनके पास मायावी शक्तियां भी हो सकती हैं। भैया, आप निश्चिंत रहें, मुझ पर यकीन रखें, मुझे कुछ नहीं होगा।
ये तो बच्चे हैं, परंतु कितने साहसी हैं। पर ये श्री राम के विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं? मुझे इनसे पूछना चाहिए। बच्चों हट जाओ, इन सब से दूर रहो। लव, तुम घोड़े का ध्यान रखो और मुझे इस सेनापति से निपटने दो। मेरी बात सुनो बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे पढ़ने और खेलने के दिन हैं। इस धरती के सबसे ताकतवर राजा के साथ लड़ाई करने के नहीं। हम लोग इतने बड़े तो हैं कि फैसला कर सके। अब अगर हो सके तो आप अपने आप को बचाओ। लक्ष्मण की भी पराजय की खबर सुनकर श्री राम घबरा गए। उनके आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। श्री राम ने अन्यायपूर्ण रीति से सद्गुणी पत्नी सीता को जंगल में भेजा था, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये उसी पाप का फल है। बंद करो ये कानाफूसी। भैया आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर उन लड़कों को दंड देता हूं और अपने भाइयों को वापस लेकर आता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, कौन हो तुम लोग? तुम दोनों वास्तव में ही बहुत बहादुर हो। मैं तुम लोगों के साहस और सूझबूझ की दाद देता हूँ। हम लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। ये मेरा भाई लव और मैं कुश हूँ। हम लोग इस घोड़े को नहीं जाने देंगे। आप तो खुद यहाँ पर युद्ध करने आए हैं। मैं आदेश देता हूँ कि घोड़े को मुक्त कर दो और अपने आश्रम में वापस चले जाओ। अब तो हम तुम्हें भी तुम्हारे अन्य भाइयों की तरह धराशायी करने के बाद ही वापस आश्रम जाएंगे। उस घमासान युद्ध में कुश का तीर भरत को बीन गया और वे तत्काल ही जमीन पर गिर गए। सारी सेना जान बचाकर भागने लगी। तब हनुमान और सुग्रीव आगे बढ़े। भैया अब तुम्हारी बारी है,
इन वानरों को मजा चखाने का। यथा शीघ्र ही उत्तम। अब तो इन दुष्ट बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुग्रीव। हाँ हनुमान, तुम उसे संभालो और मैं इसे देखता हूँ। मैं उन्हें अपनी मायावी शक्ति दिखाता हूँ। इन्हें मजा चखाने का शायद यही तरीका है। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। लव, देखो, सावधान। मैं इस लड़के को रोकता हूं। फिक्र मत करो भैया, मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। महान युद्ध के बाद हनुमान और सुग्रीव को भी घुटने टेकने पड़े और उन्हें एक बड़े पेड़ के साथ बांध दिया। वानर सेना में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाकर भाग गए। लव और कुश की कुशल तीरंदाजी के सामने कोई भी टिक न सका। तभी एक संदेश वाहक दौड़कर श्री राम के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई। श्री राम बहुत ही दुश्चिंता में पड़ गए और कोई उपाय न देखकर स्वयं ही रणभूमि के लिए चलते। वहां के दृश्य को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके। लव और कुश दोनों ने तीर छोड़ा जो कि श्रीराम के चरणों के सामने गिरते ही फूल बन गया। प्यारे बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हें किसने इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई? पर इस घोड़े को बांधने की ये कैसी शैतानी बुद्धि है? ओ मान राजा श्री रामचंद्र, आप स्वयं ही अपने घोड़े को मुक्त करने आए हैं, तो फिर कीजिए। और अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें पराजित करके अपना घोड़ा ले जाइए, अन्यथा यहाँ से वापस चले जाइए। व्यर्थ वार्तालाप न करें। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे जैसे सुंदर बालकों से युद्ध क्यों करूं? मुझे तुम लोगों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तो कृपा पूर्वक अपने बारे में बताओ। सुनिए, हम लोग माता सीता के जुड़वे बच्चे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हमें वेद शास्त्र और धनुर्विद्या सिखाई है और उन्होंने ही हमें रामायण का भी ज्ञान दिया है, जिससे हमें इतनी शक्ति मिली है। क्या तुम दोनों सीता के पुत्र हो? दोनों बालक अपने पिता को नहीं पहचान सके, पर श्री राम अपने बच्चों को पहचान गए। उनके हाथ से अस्त्र छूट गए और वे अचेत होकर रथ में गिर पड़े। देखो, ये तो मूर्छित हो गए। शायद ये हमारी बातों को सुनकर भयभीत हो गए। इतने शक्तिशाली राजा और एक साधारण व्यक्ति की तरह बेहोश हो गए। लव, चलो इन दोनों को खींचकर माँ के पास ले चले। राजा का मुकुट और आभूषण भी ले चले। अरे बच्चों, ये तुमने क्या कर दिया? हमें इन आभूषणों की क्या जरूरत है? ये जिनके हैं उनके साथ तुम लोगों ने क्या किया? और ये कोई साधारण वानर नहीं है,
इन्हें तुम लोग यहाँ क्यों खींच कर लाए हो? ओ माते, ये दोनों वानर अपनी बड़ी सेना और इस घोड़े के साथ आए थे। मैंने घोड़े को बांध दिया, तब इनके सेनापति ने हमसे युद्ध करना चाहा, तो पलटकर हमने भी उसका जवाब दिया। इन लोगों ने हमें डराने के कई प्रयास किए। माता, आपको पता है इन्होंने क्या किया? एक विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़कर अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, फिर उसे उठाकर हमसे लड़ने आए, पर वो पेड़ उनके हाथ में रह गया, क्योंकि हम लोग उनसे भी अधिक बलशाली थे। हे भगवान, तुम लोगों ने ये क्या भयानक गलती कर दी? क्यों माते, मैंने क्या गलती की है? क्या आप हमारी उपलब्धियों से खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घोड़ा और आभूषण तुम्हारे पिता श्री राम के हैं। श्री राम हमारे पिता है? हाँ, और ये हनुमान जी और सुग्रीव हैं, जो तुम्हारे पिता के सेवक हैं। इन्हें छोड़ दो और साथ ही घोड़े को भी। पर माते, हमने तो केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। हमें चुनौती दी गई थी और तभी हम लोगों ने युद्ध किया। अगर अब ये लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो अपना घोड़ा वापस ले जा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि, सीता। हे महान राजा, आप हम सब के रखवाले हैं। आपकी छत्र छाया में जो भी आया है, आपने हमेशा उसकी रक्षा की है। कृपया नाराज ना हो, ये दोनों जुड़वे भाई हैं और आपके ही पुत्र हैं। मेरे अनुपस्थिति में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें क्षमा कर दें। लव, देखो, गुरुजी ने रामायण में वैदेही की जो कहानी हमें सिखाई थी, वह और कोई नहीं पर अपनी माता सीता ही है। बच्चों, अब तो शायद तुम हमें बंधन से मुक्त कर दोगे। श्री राम, अब समय आ गया है कि आप सीता को अपने साथ वापस ले जाएं। सीता, मेरे साथ अयोध्या वापस चलो, और मेरी पत्नी होने के नाते अयोध्या की रानी होने का अधिकार ग्रहण करो। सीता, मेरी एकमात्र इच्छा यही थी कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता के साथ सुरक्षित देख सकूं। मैंने ये देख लिया है। अब मेरी यही कामना है कि मैं अपनी धरती माता के गोद में समा जाऊं। प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत ही बहादुर एवं बुद्धिमान हो। मैं तुम दोनों को सच्चे मन से आशीष देती हूँ कि तुम दोनों अपने पिताश्री की तरह ही राज करोगे। और इसके बाद श्री राम अपने दोनों राजकुमारों को संग लेकर अयोध्या वापस चले गए। सीता की सुनहरी यादों को अपने मन से लगाकर कई सालों तक उन्होंने अयोध्या में राज किया। लव और कुश में राजा बनने के सारे गुण थे और वे अब राजा बनने योग्य भी हो गए थे। श्री राम ने दो राज्यों का निर्माण किया, लव के लिए सरस्वती नगर और कुशवटी नगर कुश के लिए। फिर उन दोनों ने सफलतापूर्वक कई सालों तक राज्य किया और ये सिद्ध कर दिया
कि वे दोनों भी अपने पिता श्री राम के समान ही महान एवं दिग्गज राजा थे। कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। एक कहानी मैं सुनाऊं, एक नई दुनिया दिखाऊं, जंगलों की रूप छाया सजी सजाई हुई। ला ला ला। ला ला ला।